हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम स्टार्ट की कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपीटेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट, एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम, एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल जॉइन दिस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। सो सबसे पहले है हम देखेंगे भाषा का अर्थ और उसका महत्व क्या होता है। तो भाषा जो है वो एक्चुअली वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये ध्वनि के माध्यम से भी हो सकता है, ध्वनि को माध्यम के आजकल हम ध्वनि के माध्यम से ज़्यादा करते हैं और इशारों के माध्यम से कम करते हैं, पर वह दोनों तरीके से इसे माना जाता है। अब जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण है, विकास है, हमारी पहचान है, या कह सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है, तो ये सब चेंजेस होने का जो साधन है वो भी क्या है, हमारी भाषा ही है। अब भाषा के बिना हम अपूर्ण ही हैं, क्योंकि अगर हमारे पास भाषा नहीं रहेगी तो हम अपने बारे में किसी और को ना बता पाएंगे, ना किसी और का ज्ञान हम ले पाएंगे। तो इस प्रकार से यह अगर भाषा नहीं है तो अपूर्ण ही कहलाएंगे। और जो भाषा की कुछ विशेषता है जिसकी वजह से क्या है कि मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही भाषा ही विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना भी उतना ही आवश्यक है। सो ये थे कुछ हमारे भाषा के बारे में, अगर हम जनरल वे में कहें तो इस प्रकार से हम भाषा को बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य भली बात सीख सकता है या क्या उसके महत्व हैं। तो इसके मेन 3 महत्व हैं, संप्रेषण का माध्यम, ज्ञानार्जन का साधन, या और तीसरा है संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक। तो संप्रेषण का माध्यम कैसे, तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है तो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से हम आश्रित रहेंगे। अब आश्रित रहने के लिए हमें संवाद भी करना पड़ेगा। जो हमारे संवाद है, संवाद स्थापित करने के लिए कोई ना कोई एक हमारे पास माध्यम होना चाहिए, और भाषा ही वह माध्यम है जिसकी वजह से हम संवाद कर सकते हैं। दूसरा है ज्ञानार्जन का साधन। तो मनुष्य के विकास का जो आधार है वो तो है ज्ञान। अब ज्ञान तो है, और ज्ञान ही को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई एक साधन चाहिए जिसकी वजह से हम वो ज्ञान ले पाएँ। तो ज्ञान हम किस प्रकार से ले पाते हैं, तो भाषा की वजह से ही हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। और बिना भाषा के मनुष्य सांसारिक या आत्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता, तो ज्ञान का अर्जन करने के लिए भी भाषा आवश्यक है। तीसरा है संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक। तो भाषा संप्रेषण और ज्ञान अर्जन का साधन होने के साथ साथ संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में भी सहायक है, क्योंकि अगर आप देखते हैं हमें भिन्न भिन्न प्रांतों के बारे में क्यों पता है, भिन्न भिन्न प्रांतों की सभ्यता के बारे में क्यों पता है, क्योंकि उनके बारे में किसी न किसी पुस्तक के द्वारा हमने पढ़ा है या किसी लेख के द्वारा पढ़ा है। तो माध्यम कौन बनी, भाषा ही तो माध्यम बनी जिसकी वजह से हमें दूसरों की संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता है। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति सभ्यता का विकास भी होगा, वो भी भाषा की भाषा के जरिए। वहीं है भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व। अभी हमने भाषा का देखा था, भाषा शिक्षण, इसी भाषा को अच्छे से समझना, पढ़ना लिखना समझना। जैसे बच्चे के बारे में हम देखते हैं तो बच्चों का पढ़ना लिखना कैसे सीखे, किस प्रकार से उसे सिखाया जाए, ये सारी चीज़ें जो है वो भाषा शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। अब समाज की व्यवस्था के अनुरूप हमें डालने के लिए बच्चों को बच्चों के साथ भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, और वही भाषा का प्रयोग वो किस प्रकार से करें ये भी सिखाना पड़ता है। इसी को हम भाषा शिक्षण कहेंगे, और यही सबसे मेन आवश्यकता है भाषा शिक्षण की। अब हम देखते हैं कि वाइगोत्सकी जो हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे भाषा
बाल विकास में सहायक होती है और शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। मतलब शिक्षक को उसी तरीके से अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए कि जिस प्रकार बच्चा बालक अपनी भाषा का विकास कर सके और भाषा को अच्छे से सीख सके। दान है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो हर एक किसी कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, तो वहीं भाषा शिक्षण के भी कुछ उद्देश्य हैं। जैसे कि पहला है वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। अगर हमें जब तक हम ये हमारा एक मेन उद्देश्य नहीं रखेंगे तो हम भाषा को नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि हमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही रूपों में विचारों को समझने, उनसे संबंध जोड़ने, उनका अनुमान लगाने और उनसे अपनी क्षमता का विकास करना, ये सभी भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। दूसरा है समझ के साथ पठन की योग्यता। तो हम एज अ वक्ता तो हम सीख रहे हैं, लेकिन पढ़ते भी हमें वो चीज़ें आनी चाहिए, वो लिपि, वो संकेत, उनका अर्थ, उसमें जो व्याकरण है वो, और साथ में हमें विवेचनात्मक दृष्टिकोण भी बनाए रखना है। और पठन अच्छा होता है तो उससे धीरे धीरे आत्मविश्वास भी विकसित होता जाता है। तीसरा है हमारा सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। तो ऐसी कई परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें संप्रेषणात्मक कौशलों को प्रयोग में लाने में समर्थ होना चाहिए हमें। बहुत सारी ऐसी हमारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं, तो उसके लिए भी हमें भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और भाषा शिक्षण भी बहुत ज़रूरी है। तार्किक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक ढंग से परिचर्चा में अगर हमें शामिल होना है तो हमें भाषा को और अच्छा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सुसंगत लेखन। तो लेखन भी एक कौशल की तरह ही है। इसमें हमें तत्संबंधी विषयों के बारे में जो चीज़ें पता हैं उनके पर्यायवाची पता होना चाहिए, ताकि हम जहाँ जैसे व्यक्तियों के बीच में हैं उस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग कर सकें। वहीं हम देखते हैं विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास। अब जो विद्यार्थी हैं या उसके अलावा भी, वो विद्यालय में विषयों के अलावा भी संगीत, खेलकूद, फिल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाक कला, इसमें ऐसे और भी कई उसके विषय होते हैं और उनकी भी कुछ अपनी भाषा होती है, तो वो ये सब चीज़ें भी सीखता है और उनके प्रयोग में दक्ष होना उसे ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। अब भाषा की कक्षा में विभिन्न शिक्षण तकनीकियाँ अपनाई जानी चाहिए। जिस तरह से बच्चे को समझ में आए वो वाली तकनीक हमें यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं का यूज़ करके और भाषा की वैज्ञानिक अध्ययन करके हमें धीरे धीरे बच्चों को सारी चीज़ें सिखाना चाहिए। इसमें व्याकरण के मानक नियम को डायरेक्ट न रखते हुए उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग वे में बना के बच्चों को सिखाना चाहिए। वहीं है सृजनात्मकता का विकास। तो भाषा का यूज़ करके बच्चे की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता ये भी विकसित करना चाहिए। इसके भी उन्हें पर्याप्त उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ताकि उनकी सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता ये बढ़े और साथ में उनका आत्मविश्वास भी भरपूर तरीके से आगे बढ़े। हम देखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो कुछ सिद्धांतों पर हमारा भाषा शिक्षण चलता आ रहा है। मनोवैज्ञानिक ने अपने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत इस पर दिए हैं, जिसका यूज़ करके हम भाषाई कौशलों को समृद्ध कर सकते हैं और बच्चों को और ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं। जो सबसे पहला है अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन या साहचर्य जो है वो बहुत योगदान है। जैसे कि हम देखते हैं शिशावस्था में बच्चे शब्द सीखते हैं और उनका जो सीखना है वो अमूर्त नहीं होता, बल्कि वो मूर्त वस्तुओं को पहले देखते हैं, उनसे चीज़ों को जोड़ते हैं और फिर शब्दों की जानकारी को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अनुबंधन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत। तो जैसा बच्चा देखता है वैसा कि वैसा वो बनने की कोशिश करता है, तो यहाँ वो अनुकरण कर रहा है और अनुकरण का सिद्धांत भी इसी बातों पर बेस्ड है। नेक्स्ट है अभिपढ़ना एवं रुचि का सिद्धांत। तो हिंदी की जो पाठ्य सामग्री है और उसकी शिक्षण प्रणालियाँ जो है, उनका चयन बच्चों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। उन्हें जैसा पसंद है वो चीज़ें उन्हें लाई जानी चाहिए। वहीं जो चीज़ उन्हें पसंद है, जो उनकी आवश्यकता है, वो चीज़ पहले यूज़ करनी चाहिए, ताकि उनका उत्साह और उनकी रुचि बनी रहे। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत।
अब क्रियाशीलता के सिद्धांत में ये क्या होगा, नाम में ही है दिया है क्रियाशीलता, मीन्स कोई भी चीज़ को करके जब बच्चा सीखता है क्रम के साथ और उसमें उत्साह भी बना रहता है, तो इस प्रकार से अगर बच्चा कभी सीखेगा या इस प्रकार की हम सिद्धांत पे चलेंगे तो उसे क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि बच्चों से कोई चीज़ जब से बताना, उसके बाद प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी दिलवाना, पाठों का अभ्यास करवाना या मौखिक व लिखित कार्य कराना, तो ये सारे कार्य जो हम करते हैं और बच्चों से करवाते हैं, इसी को हम क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास। तो भाषा एक कौशल है और उसका विकास जो है वो किसी भी चीज़ का विकास अभ्यास पर डिपेंड करता है, वैसे ही भाषा का भी विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा के कलात्मक व भावात्मक दोनों पक्ष होते हैं और दोनों का अभ्यास हमें करना चाहिए और बच्चों से कराते रहना चाहिए, ताकि भाषाई कौशल उनके निरंतर उनके भाषाई कौशल बेहतर और बेहतर बनते रहें। तो ये थी एक बात। और प्राथमिक स्तर पर अगर हम अभ्यास चाहते हैं तो उनसे अनुलेख, श्रुतलेख, कविता पाठ, इस प्रकार के कुछ कार्य करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक की प्रयोग ने यह सिद्ध किया है कि भाषा को सीखने में अगर हम आवृत्ति को महत्व देते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा होता है, और सीखी हुई बात उनको जितनी बार दोहराएंगे उतनी ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा और वो अच्छे से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा साहचर्य का सिद्धांत। तो जब हम बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना सीखते हैं और सुनकर बोलना सीखते ही रहते हैं, है ना, लेकिन अगर हम किस प्रकार के अधिगम को पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है। जैसे कि अगर बच्चे ने किसी को सुनकर इंग्लिश का कोई शब्द बोलना सीखा है लेकिन बाद में उसे ये चीज़ उपयोग करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, या कोई और से वो बाद में उसे सुन ही नहीं रहा है, तो वो शब्द को वो वहीं छोड़ देगा और नए शब्दों को ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को साहचर्य भी मिलना चाहिए ताकि वह उस शब्द से के कॉन्टेक्ट में बना रहे और उसे फिर आगे भी उपयोग में लाए। नेक्स्ट है हमारा अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अब भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, कि भाषा कौशल जो है उसमें जो भाषा कौशलों में छात्र जो है वो निपुण हो जाए, और ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, जैसे श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। ये सभी चीज़ें मिक्स होकर ही परस्पर चलती हैं और ये एक दूसरे पर डिपेंड भी रहती हैं, तो इनका अनुपात और उनका क्रम जो है वो अच्छे से हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम बच्चों को और अच्छे से सिखा पाएँ और सभी कौशलों में निपुणता का अनुपात हमेशा सही होना चाहिए ताकि बच्चों में जो दक्षता है वो बने। नेक्स्ट है हमारा चयन का सिद्धांत। तो हिंदी भाषा में हमें बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन अध्यापक को उन चीज़ों को चयन करना चाहिए जो कि सरल हो, सहज हो और बच्चे सरलतापूर्वक विषय वस्तु को समझ सकें। और देख सकते हैं हम कि अध्यापक को बहुमुखी होना चाहिए ताकि वो हर एक प्रकार की पद्धति को लाभ प्रभावकारी बना सके और उसका चयन भी अच्छे से कर सके, टॉपिक के अनुसार चयन कर सके। नेक्स्ट है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। यहाँ पर हमें सिर्फ बच्चों के हिसाब से ही चलना है, उनके स्तर, उनके स्वभाव, उनकी क्षमता, उनकी रुचि, इन प्रकार से चलना है, और जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उसे बाल केंद्रितता का सिद्धांत कहेंगे। वहीं मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि और अपने अनुसंधान में सिद्ध भी किया है कि अगर विद्यार्थी को हम शिक्षित करते वक्त तो उसकी मातृभाषा का उपयोग करते हैं तो वो बहुत जल्दी सीखता है और उसकी वृद्धि भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। वहीं नेक्स्ट है हमारा पुनर्मिलन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो B.F. स्किनर ने दिया था और उन्हें स्पष्ट प्रयास करके ये बताया था कि जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान अगर हम अधिगमकर्ता को सफलता मिलने पर उत्साहित करेंगे, उसे कुछ मनोबल में उनकी वृद्धि करेंगे और उसके जो लक्ष्य है तो इस प्रकार से वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएगा, लेकिन अगर हम उसे कोई काम अच्छा होने पर भी उसे मोटिवेट नहीं करेंगे या शाबाशी नहीं देंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो कार्य करना बंद कर देगा। तो पुनर्वलन भी बहुत ज़रूरी है अगर बच्चा सीख रहा है तो।
नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। यहाँ पे छात्रों में हम देखते हैं बहुत सारी विभिन्नताएं रहती हैं। कुछ छात्र जो है वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन अच्छा नहीं होता, तो सब में कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं, या किसी को कुछ चीज़ अच्छी से आती है तो कुछ चीज़ अच्छी से नहीं आती। तो अध्यापक को उन सबकी व्यक्तित्व विभिन्नता और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य संपन्न कराना चाहिए ताकि वो सभी आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट है जीवन समन्वय का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनकी वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है। तो हमें सारे जो पाठ्य सामग्री है उन्हें उनके जीवन से जोड़कर उन्हें सिखानी चाहिए ताकि बच्चों का की रुचि बने रहे और वो इन चीज़ों से दूर न भागें और अच्छे से सारी चीज़ें सीखें। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। यहाँ पर हम भाषा शिक्षण के एक नहीं बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम बच्चों के ज्ञान कौशल रुचि अभिवृत्ति का विकास तो करना चाहते ही हैं, साथ में ये सारे जो हैं ये सब एक निश्चित अनुपात में भी होना चाहिए और ये सब विषय विस्तृत संबंधित विषय नियमों पर चलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम उन्हें सिखाएंगे तो और अच्छे से वो सीखेंगे। अध्यापक को शिक्षण के पूर्व पाठ के उद्देश्यों और उन उद्देश्य से प्राप्ति के विषय सामग्री का चयन, ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चों के अनुरूप करना चाहिए। बच्चों को जो सही लगे उस प्रकार से करना चाहिए, वो जल्दी जिस चीज़ से सीख कर आएँ वो वाली टेक्निक्स उन्हें यूज़ करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाषा शिक्षण के नियम। अब भाषा शिक्षण तो हमने देख लिया, लेकिन उसे कुछ ना कुछ नियम होते हैं कि जिस प्रकार से हमें उसे करना चाहिए। जैसे सबसे पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर। हमेशा हमें पहले बच्चों को मूर्त चीज़ें बतानी है और फिर धीरे धीरे उन्हें अमूर्तता की ओर लेकर जाना है। वहीं जो चीज़ें उन्हें पता है वही चीज़ें उनको सबसे पहले बतानी है। हमें बच्चों को पहले ज्ञात चीज़ें बतानी है और फिर उसकी तरफ अज्ञात चीज़ों की तरफ उन्हें ले जाना है। वहीं पहले बच्चों के मस्तिष्क में दैनिक जीवन अनुभव से कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित करना है और फिर उन्हें एक निश्चित रूप की धारणा को धारण करने के लिए प्रेरित करना है। वहीं हम पहले विद्यार्थियों के मत को पुष्ट करने के लिए और शंकाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को विषय स्थिति से विश्लेषित या हम कह सकते हैं अलग अलग करते हुए स्पष्ट करना चाहिए सारी बातों को और फिर सभी चीज़ को मिक्स करके सम्मिलित करके उन्हें संश्लेषण की ओर ले जाना चाहिए। वहीं पहले हमें आगमन विधि का यूज़ करके और उसे फिर निगमन की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे कि पहले बच्चों को नियमों न बताकर पहले उदाहरण देना चाहिए और फिर नियमों का निर्धारण करना चाहिए। वहीं मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर ले जाना चाहिए कि बच्चों को पहले उन विषय को पढ़ाया जाए जिसमें उन्हें रुचि हो और फिर जिसे पढ़ने में वे खुद समर्थ हैं, उसके बाद जो तार्किक विषय हैं जो तार्किक पक्ष हैं उस ओर उन्हें ले जाना चाहिए। वहीं पहले हमें उन्हें विशेष चीज दिखाना चाहिए, विशेष ज्ञान, और फिर उन्हें सामान्य की ओर ले जाना चाहिए। जैसे कि पहले हम कुछ क्रियाएं प्रस्तुत करें, उसके बाद फिर उससे क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं वो उन्हें समझाएं, वहीं सरल से जटिल की ओर उन्हें ले जाना चाहिए। तो ये कुछ थे जो कि भाषा शिक्षण के नियम हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण या पुनः शिक्षण। तो ये क्या होता है? तो शिक्षक अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए अपनाई अलग अलग प्रविधियाँ अपनाता है, जिसमें से एक है सूक्ष्म या पुनः शिक्षण, जिसमें पहले बच्चा टीचर किसी चीज़ को शिक्षण प्रणाली को उसका उपयोग करके पढ़ाता है और कुछ कक्षा अध्यापक उसकी प्रक्रिया को देखकर उसकी शिक्षा वो जो उसने दी है उसे देखकर अपने उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है वो उसे बताते हैं। अगर उसमें कोई कमी होगी तो वो फिर से वही कार्य दोहराएगा। जैसे हम बताते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग वास्तविक में शिक्षण है, लेकिन इस प्रणाली में साधारण कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है और एक समय में एक ही विशेष कार्य या एक ही कौशल पर प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है और इसमें प्रतिपुष्टि द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जाता है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगात्मक विधि है और इसमें कम समय में ही ज़्यादा लाभ हो इस प्रकार की ये विधि है। इसका अध्ययन करने में एक इकाई में एक कौशल का यूज़ किया जाता है। परीक्षणार्थी थोड़ी अवधि तक कुछ विद्यार्थी छोटे समूह को पढ़ाएगा और उस पर जो दूसरे परीक्षणार्थी है फिर उस पर प्रतिपुष्टि से मिलती है पर्यवेक्षकों के द्वारा, और अगर उसके पाठ पढ़ाने में कोई संशोधन की ज़रूरत है
तो उसे फिर पुनः संशोधन करवाया जाता है, फिर से वह पुनः पाठ का नियोजन करता है, फिर से शिक्षण करता है और उसे फिर से पृष्ठ पोषण मिलता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होती है। पहली बार बढ़ाने में जो कमियां रह गई थी उसका वह निराकरण करके जब दूसरी बार पढ़ाता है तो वो कमियों को पूरा करता जाता है और फिर जाँच करते हैं जी हाँ, जो पर्यवेक्षक हैं वो पुनः प्रतिपुष्टि देती हैं कि उसने इस बार किस तरह से पढ़ाया। तो ये ही पूरा चक्र सूक्ष्म शिक्षण का, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले कोई भी शिक्षक पाठ योजना देता है, उसका शिक्षण करा उसने, फिर उसकी प्रतिपुष्टि मिली, पर परिपुष्टि में अगर कुछ कमियां हैं तो वो फिर से पुनः पाठ योजना करेगा, पुनः शिक्षण करेगा और फिर पुनः उसे परिपुष्टि मिलेगी। अगर इस बार उसने सही किया है तो ये का एक ये कंप्लीट हो जाता है साइकिल। अब है कुछ सूक्ष्म या पुनः शिक्षण के कुछ सिद्धांत है, जैसे कि यह वास्तविक अध्यापन है, इसमें एक समय में एक ही कौशल का यूज़ करना पड़ता है और अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण भी रखा जाता है और पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर जो खत्म हो चुका है। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट, सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।